Good morning, kids. How are you all? I hope you all are fine at home. आज हम एक नई कहानी करेंगे. पता है कहानी का नाम क्या है? बिल्ली चली देश घूमने. कौन चली? बिल्ली. बिल्ली चली देश घूमने. आइए अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं. एक बार एक बिल्लियों की बस्ती थी. उसमें बहुत सारी बिल्लियां आपस में मिलजुल कर रहती थी. ये बस्ती यमुना नदी के किनारे थी, जिसमें बहुत सारी बिल्लियां थी. वो यमुना नदी से ही मछलियां निकाल कर खाया करती थी और सभी मिलजुल कर एक साथ बड़े मजे से रहती थी. एक दिन अचानक क्या हुआ, बिल्लियों की बस्ती में एक बड़ा सा जहाज दिखाई दिया. सभी बिल्लियां उस जहाज को देखकर डर गई. तभी क्या हुआ, अचानक वहां से जोर से आवाज आई. जो जहाज का कप्तान था उसने माइक में कहा, सुनो बिल्लियों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है. हम सब तो सिर्फ देश घूमने निकले हैं. अगर तुम सब हमें अपना देश घुमाओगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. उसके बाद बिल्लियों को डर नहीं लगा और उन्होंने सभी यात्रियों को अपने देश की सैर कराई. उन्हें बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया और उसके बाद जहाज के कप्तान ने कहा कि अब हम सब मिलकर देश घूमने निकलेंगे. और इसके बाद सभी बिल्लियां और सभी यात्री जहाज में सवार हो गए और देश घूमने के लिए निकल पड़े. जब बिल्लियां घूमने के लिए निकल पड़ी जहाज पर सवार होकर, तो रास्ते में बहुत सारे पहाड़, झरने, शहर और नदियां आए. इन सबको पार करते हुए बिल्लियां जहाज में मजे कर रही थी. उन्हें बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और सभी बिल्लियां बहुत खुश थी. थोड़ी देर बाद जब वो जहाज पर सवार होकर यात्रा कर रही थी, तो अचानक एक रंग बिरंगा सा शहर दिखाई दिया और सभी यात्री और बिल्लियां उस शहर को देखकर बहुत खुश हुए. तभी जहाज के कप्तान ने कहा, हाँ हाँ, हम ये शहर जरूर घूमेंगे. और उसने जहाज को नदी के किनारे लगवा दिया और सभी उस जहाज से उतर गए. और जहाज के कप्तान ने कहा कि कोई भी लेट नहीं होगा, सब शहर घूमकर समय से वापस आ जाएंगे. थोड़ी देर बाद यानी कि शाम तक हम सब इसी जहाज के किनारे मिलेंगे. अब घूमते घूमते सभी बिल्लियां एक सर्कस में पहुंच गई. और उन्होंने वहां पर क्या क्या देखा पता है आपको? आइए मैम आपको बताएंगे. बिल्लियों ने वहां पर जोकर को देखा, जो बहुत अच्छे करतब दिखा रहा था अलग अलग रंगों की गेंदों के साथ. फिर हाथी भी देखा, जो परेड कर रहे थे लाइन में. बहुत अलग अलग किस्म के जानवर वहां पर करतब दिखा रहे थे. जो मुर्गा था वो लिख रहा था, जो मछली थी वो गेंद उछाल रही थी, तोता उड़ उड़कर अलग करतब दिखा रहा था, और एक पिंजरे के अंदर शेर, चीते और भालू कैद थे, जो गुर्रा गुर्रा कर सबको डरा रहे थे. बिल्लियों को वहां पर बहुत मजा आया. लेकिन जो एक छोटी बिल्ली थी ना, उसको वहां मजा नहीं आ रहा था. उसने सोचा कि क्यों ना यहाँ बाजार की सैर की जाए. और वो बिल्ली सर्कस से निकलकर बाजार की तरफ चली गई. अब वो बिल्ली बाजार में आ गई. वहां पर हर एक चीज की दुकान थी,
सब्जी वाले की, मिठाई वाले की, कपड़े वाले की, खिलौने वाले की। उस बिल्ली ने सोचा कि यहाँ बाजार में ऐसे ही घूमकर क्या फायदा है, क्यों ना अपने दोस्तों के लिए कुछ खिलौने ले लिए जाएं। और यही बात सोचकर वो बिल्ली एक खिलौने वाली दुकान पर पहुंची। वहां पर बहुत सारे खिलौने थे, गेंद, बैट, चिड़ी बल्ला और भी बहुत कुछ। और उस बिल्ली ने उस खिलौने वाले की दुकान में जाकर अपने दोस्तों के लिए खिलौने देखना शुरू कर दिया। छोटी बिल्ली ने अपने सभी दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ खिलौने उस दुकान से खरीद लिए थे। वो खिलौने खरीदने में इतनी मस्त हो गई थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक कुत्ता खड़ा था। और कुत्ते को देखकर वो छोटी बिल्ली डर गई, इतनी डर गई कि वो अपनी जान बचाने का सोचने लगी। उसे लगा अगर मैं यहां से नहीं भागी तो ये कुत्ता मुझे खा जाएगा। और वो बिल्ली झटपट भागकर जहाज पर पहुंचना चाहती थी। बस फिर क्या था, आगे आगे बिल्ली और पीछे पीछे कुत्ता, आगे आगे बिल्ली और पीछे पीछे कुत्ता। और फिर बिल्ली झट से भागकर जहाज पर पहुंच गई और वो कुत्ता पीछे रह गया। जब वो बिल्ली जहाज पर पहुंच गई तो उसकी जान में जान आई और वहां और बिल्लियां भी थी जो उसे देखकर बहुत खुश हुई। बिल्ली झटपट जहाज में चढ़ गई और तभी जहाज के सरदार ने जोर से कहा, सुनो सुनो सुनो, सब जहाज पर चढ़ जाओ, अब हम दूसरा देश घूमने के लिए निकलेंगे। और सभी बिल्लियां जहाज में चढ़ गई और छोटी बिल्ली ने इस तरह अपनी जान बचाई। तो बच्चों, उम्मीद है आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। कौन सी कहानी? बिल्ली चली देश घूमने, बिल्ली चली देश घूमने। आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी। स्टे होम, स्टे सेफ किड्स। बाय बाय।